और हाँ ग्लव्स पहन के अगर आप लगाओ ना तो ज्यादा सही है, हाथों में लगेगा नहीं। और ये ब्रश से ना लगता नहीं है, मैंने ब्रश से बहुत ट्राई किया है लेकिन लगता नहीं है, सही से नहीं लगता, वो लग तो जाता है लेकिन वो। सो आई एम बैक विथ माई वॉश्ड हेयर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माई चैनल। तो आज है मेरे सामने ये कप में जो वाटर है ये, और ये बॉल और ये फोक जो भी है, और मेरे पास है ये हेयर पैक है ये। इसको ये इसमें है इंडिगो पाउडर। तो मैं आज के जो ब्लॉग में ना मैं ये बता रही हूँ कि मैं अपने हेयर को ब्लैक करने के लिए, जो मेरे ग्रे हेयर्स हैं उसको ब्लैक करने के लिए क्या लगाती हूँ। मैं पहले अपने हेयर में ना केमिकल वाले कलर्स लगाती थी, जैसे गार्डिया, लॉरियल, ये सारी चीज़ें लगाती थी। तो उसके बाद जो मेरे हेयर है ना वो और वाइट होना शुरू हो गए, तो मुझे इसके बारे में कंसर्न होने लगा कि मैं बार इतने सारे बाल मेरे वाइट हो रहे हैं तो क्या करें। तो एक दो साल तीन साल में के बाद सारे बाल मेरे वाइट हो जाएंगे, अभी तो आगे के हैं, पीछे के धीरे धीरे सारे हो जाएंगे। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं लगाऊं क्या, केमिकल लगाने से बाल में प्रॉब्लम आ रही है। तो मैंने कहीं सुना था कि इंडिगो पाउडर और मेहंदी लगाने से ना बाल ब्लैक रहते हैं। तो मैंने लगाना स्टार्ट किया, और मैंने इंडिगो पाउडर और मेहंदी को ना दो तीन तरीके से लगा सकते हैं। पहला तो आप मेहंदी और इंडिगो पाउडर को मिला के लगा सकते हो, और सेकंड है या तो पहले आप इंडिगो पाउडर लगा लो फिर उसके बाद आप मेहंदी लगा लो, और थर्ड है पहले मेहंदी लगा सकते हो उसके बाद इंडिगो पाउडर लगा सकते हो। तो मैं जनरली जो प्रीफर करती हूँ ना लगाना, पहले मैं इंडिगो पाउडर लगाती हूँ, जो इंडिगो का कलर आ जाता है उसके ऊपर मैं मेहंदी लगाती हूँ। तो और मेहंदी का कलर और इंडिगो का कलर दोनों मिलके ना बाल अच्छा काला कर देता है, तो इसलिए मैं पहले इंडिगो लगाना प्रीफर करती हूँ उसके बाद में मेहंदी लगाना प्रीफर करती हूँ। मैंने लगाया तीनों तरीके से हैं शुरू में, और जो मुझे सबसे अच्छा रिजल्ट मुझे लगा ना वो पहले इंडिगो पाउडर का फिर उसके बाद मेहंदी का लगा। और मेहंदी और इंडिगो पाउडर दोनों आप तो सेम डे लगा सकते हो या एक या दो दिन बाद लगा सकते हो, मैक्सिमम दो दिन तक आप लगा सकते हो। दो दिन के बाद इंडिगो का कलर अगर उतरने लगेगा तो फिर मेहंदी का कलर आप लगाओगे ना तो कम ब्लैकनेस आएगी। मैक्सिमम दो दिन का जो डे है ना इंडिगो और मेहंदी के बीच का जो गैप है ना मैक्सिमम दो दिन का ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा आप करोगे तो फिर वो इंडिगो का कलर डाउन हो जाएगा, फिर आप मेहंदी का कलर लगाओगे तो वो उतना अच्छा खिल के कलर नहीं आएगा। तो इसलिए मैक्सिमम दो दिन का ही आपको गैप रखना चाहिए मेहंदी इंडिगो और मेहंदी के बीच में। तो मैं या तो नेक्स्ट डे लगाती हूँ, कभी कभी मैं सेम डे भी लगा लेती हूँ, कभी मुझे इमरजेंसी होती है लगाने की तो मैं सेम डे भी लगा के चली जाती हूँ कहीं जाना होता है तो, नहीं तो मैं जनरली मैं सेकेंड नेक्स्ट डे लगाती हूँ। और अगर नेक्स्ट डे भी नहीं हो पाया तो मैं सेकेंड डे तो जरूर डे आफ्टर टुमारो मैं तो जरूर ही लगा लेती हूँ, डे आफ्टर टुमारो उसके बाद मैं स्किप नहीं करती। तो ये है मेरा इंडिगो पाउडर, ये मैंने ऑनलाइन मंगाया था अमेजोन से, और ये खादी नेचुरल का इंडिगो। इसके पहले मैंने एक और इंडिगो पाउडर मंगाया था, वो है मेरे पास लेकिन अभी कहीं और पड़ा होगा, उसका नाम याद नहीं आ रहा। और फिर उसके बाद मैंने ये मंगाया था खादी नेचुरल का ऑर्गेनिक इंडिगो पाउडर, तो ये वाला मुझे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट दे रहा था इसलिए मैं अभी ये यूज करती हूँ। तो मैं बताती हूँ उसको यूज कैसे करना है, वैसे इसके पीछे सारे डायरेक्शंस दे रखे हैं कि आपको यूज कैसे करना है। और ये इंडिगो पाउडर है ना वो बालों के लिए अच्छा भी होता है, हेयर के लिए ये बहुत अच्छा भी होता है, हेयर थोड़ा ड्राई कर देता है लेकिन फिर भी वो केमिकल वाले कलर से तो मुझे लगता है ये मच बेटर है, तो इसलिए अब मैं ये यूज करती हूँ। तो इस पे सारे डायरेक्शन लिखे हुए हैं कि आप कैसे, हाउ टू यूज फॉर हेयर, क्लीन योर स्कैल्प विथ एनी खादी, मतलब कि इन्होंने अपने खादी का ही दे रखा है। आप कैसे लगाओ मैं बताती हूँ उसको कैसे लगाना है। क्वांटिटी तो आप पे डिपेंड करती है, क्वांटिटी आप कितना भी ले लो आपके बालों के हिसाब से, मेरे बाल तो वैसे कम ही हैं तो मुझे कम ही लगता है। और इसको ना वार्म वाटर में डालते हैं, और इसको कभी ना आप प्लास्टिक के बॉल में मत लेना, हमेशा या तो वो स्टील वाले बॉल में लेना या तो ये क्या बोलते हैं इसको कांच वाले बॉल में लेना।
तो मैं अपने बालों के हिसाब से क्वांटिटी ले रही हूँ, जितना मैं अपने बालों में लगाती हूँ। ये मतलब कि ये ख़त्म ही हो गया तो मैं सारा ही ले रही हूँ, मतलब ख़त्म ही हो गया तो इसका कुछ थोड़ा सा रखने का फ़ायदा है नहीं। अगर आपको पूरे बालों में लगाना है तो ज़्यादा क्वांटिटी लगी। मैं अक्सर अपने इतने इतने एरिया में, इतने पोर्शन में लगाती हूँ, बाकी अगर थोड़ा सा बच जाता है तो नीचे वाले पोर्शन में लगा लेती हूँ। मैं अपने पूरे बालों में नहीं लगाती हूँ क्योंकि मेरा पूरे अभी मेरे जो सारे बालों में ग्रेनेस जो नहीं आई है, केवल मेरी ये नीचे लाइनिंग जो है ना वहाँ पर वाइट हेयर्स हैं और थोड़े से नीचे वाइट हेयर्स आ गए हैं। तो मैं ये वार्म वाटर है और वाटर आप धीरे धीरे मिलाना, इसको एक तुरंत वाटर सारा नहीं डाल देना, ये गीला हो जाता है और गीला हो जाएगा तो आगे से ये सारे निकलने लगते हैं। तो मैं इतना ही थिकनेस रखती हूँ ताकि वो मेरे बालों से यहाँ से साइड से नीचे ना गिरे, वो फिर कपड़ों में लगता है। तो ये मेरा इंडिगो पाउडर का पेस्ट मैंने रेडी कर लिया है और मैंने पेस्ट इतना ही ऐसे ही रेडी किया, इतनी थिकनेस मैंने रखा है। थोड़ा सा और अगर आप चाहो ना तो डाल सकते हो, बहुत ज़्यादा थिन नहीं होना चाहिए। और मैं अपने हाथों में पहनूंगी ये ग्लव, और ये हाथों से ही अप्लाई करने में ज़्यादा अच्छा होता है। हाथों से आप अप्लाई करोगे ना तो ज़्यादा अच्छे से ये अप्लाई होगा। तो मैं अब अप्लाई करना शुरू करती हूँ। मैं सबसे मेरे साथ जो मोस्ट ऑफ द हेयर है ना, यहाँ पे ग्रे हैं और यहाँ पे ग्रे हैं, तो और थोड़ा सा ये बीच में ग्रे हैं। तो स्टार्ट अभी तो बहुत ज़्यादा नहीं शो हो रहा है लेकिन स्टार्ट हो गया है, तो ज़्यादा हो उससे अच्छा है मैं उसके पहले ही लगा लूँ। तो मैं स्टार्ट करती हूँ लगाना। और हाँ, ग्लव्स पहन के अगर आप लगाओ ना तो ज़्यादा सही है, हाथों में लगेगा नहीं। और ये ब्रश से ना लगता नहीं है, मैंने ब्रश से बहुत ट्राई किया है लेकिन लगता नहीं है, सही से नहीं लगता। वो लग तो जाता है लेकिन वो अंदर रूट्स में नहीं जाता है। क्या है, तो ऑलमोस्ट मेरे हेयर पैक लग गए हैं, बस तो थोड़ा सा बचा हुआ मैं ऊपर ही अप्लाई कर लेती हूँ। तो ये रहा मेरा हेयर पैक जो कि मैंने लगा लिया है, और इसको रखना होता है 45 से 60 मिनट तक आप रख सकते हो। तो मैं 45 या 50 मिनट्स रखती हूँ, उसके बाद वॉश कर लेती हूँ। मैं नॉर्मल वाटर से ही वॉश करती हूँ, उसके बाद नेक्स्ट डे मैं मेहंदी लगाती हूँ। मेहंदी लगाने के बाद उसको भी नॉर्मल वाटर से वॉश करती हूँ, उसके बाद फिर मैं ऑयलिंग करती हूँ, फिर उसके बाद मैं हेयर शैम्पू करती हूँ।
तो ये है मेरा प्रोसेस, अभी मैं ये लगा के वॉश कर लूँगी, फिर नेक्स्ट डे मैं मेहंदी लगाऊंगी, तो उसका भी मैं अभी ब्लॉग में दिखाऊंगी मेहंदी भी लगा के, उसके बाद मैं फाइनल कलर दिखाऊंगी आपको कि फाइनल कलर कैसा आता है। और तो मिलते हैं आफ्टर वॉश के बाद। और हाँ, ये हेयर पैक लगाने के बाद ना मैं ये शावर कैप लगाती हूँ, और शावर कैप में इसलिए लगाती हूँ ताकि ना ये जो हेयर पैक है ना वो ड्राई ना हो। अगर वो हेयर पैक ड्राई हो जाएगा ना, फिर हेयर भी बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है, तो मैं ये शावर कैप लगाने से ना वो ड्राई नहीं होता, तो हेयर भी स्मूथ रहता है, तो इसलिए शावर कैप लगाना ज़रूरी है। अगर आपके पास शावर कैप नहीं है तो आपको ये पॉलीथीन होता है ना वो वाइट कलर वाला, आप उसको भी लगा सकते हो। मैं भी वो कभी इमरजेंसी में मुझे शावर कैप नहीं मिलता तो मैं वो भी यूज़ कर लेती हूँ, तो ये शावर कैप इसलिए लगाया मैंने। तो मिलते हैं आफ्टर हेयर वॉश। सो आई एम बैक विथ माई वॉश्ड हेयर। तो मैंने अपने हेयर को वॉश कर लिया है, एंड नाउ मैं अभी आपको दिखाती हूँ इसका कलर। तो ये है मेरा वॉश्ड हेयर, और जो मेरे ये साइड में जो वाइट हेयर थे ना वो सब अब गायब हो चुके हैं, अब कहीं मेरे वाइट हेयर नहीं दिख रहे हैं। फिलहाल ये अभी इंडिगो कलर मेरे ऊपर आया है, अभी मेहंदी लगाना बाकी है, तो मेहंदी लगाने के बाद ये प्रॉपर ब्लैक कलर आएगा। वैसे मुझे प्रॉपर जो ब्लैक कलर होता है ना वो हेयर का मुझे पसंद नहीं है, लेकिन ऐसा कोई नेचुरल कलर नहीं है जो मुझे डार्क ब्राउन कलर दे सके, तो मुझे अभी फ़िलहाल ब्लैक कलर से काम चलाना पड़ता है। और मेरे जो इस साइड के हेयर हैं और ये नीचे के जो हेयर है ना, दोनों के कलर में ना डिफरेंस आ जाता है, ये मेरे पूरा जेट ब्लैक होता है और ये मेरा डार्क ब्राउन कलर आ जाता है, तो इतना कोई डिफरेंस बाहर नज़र नहीं आता। मुझे नज़र आता है, मैं अपने आप को मिरर में देखती हूँ ना हेयर को, अगर मैं ये पोनीटेल करती हूँ ना, पोनीटेल ये मेरा डार्क ब्राउन होता है और ये बिल्कुल प्रॉपर ब्लैक होता है। पता नहीं इसमें दिखेगा नहीं, हाँ दिख रहा है हल्का हल्का, इसमें भी दिख रहा है कि ये मेरा ब्राउन कलर है और ये ब्लैक कलर है। तो ये रहा मेरा इंडिगो पाउडर का हेयर कलर, जो कि नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है और इससे कोई ऐसा नुकसान नहीं है हेयर को जैसे केमिकल वाले कलर से नुकसान होता है। तो ये मुझे, मैं इसको लगभग 6-7 महीने से, मैंने इसको 6-7 महीने पहले मैंने इसको ट्राई करना शुरू किया था, तो और मुझे ये सूट कर गया और मुझे अच्छा लगा, बालों को भी डैमेज नहीं करता है, विदाउट डैमेज बालों को ये ब्लैक कर देता है। तो ये रहा मेरा आज का इंडिगो का पेस्ट, और कल मैं हिना का लगाऊंगी, मेहंदी का पेस्ट लगाऊंगी बालों में। तो मिलते हैं कल मेहंदी के एप्लीकेशन के साथ हेयर पे, तब तक के लिए बाय।